नमस्कार दोस्तों, एच एन ट्रिकी जीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, ट्राइसेप्स पेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कंधे के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, बाइसेप्स फीमोरिस कहाँ पाई जाती है? तो जांघ के निचले भाग में बाइसेप्स फीमोरिस पाई जाती है। नंबर तीन, मदिरा शिरा मांसपेशी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग घुटने के मोड़ने में किया जाता है। नंबर चार, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन का 2/5 भाग होती हैं? तो ये होती हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां। नंबर पाँच, मानव शरीर में कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं? 40%। और नंबर छः पर बात करें तो मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां कितने प्रतिशत मांस सॉरी मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो इनकी संख्या होती है 639। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर पर, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किसमें स्थित होती है? तो ये होती है हिप में। नंबर आठ, पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी है लैटीसिमस डोर्सी मांसपेशी। और वहीं बात करें सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तो सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस मांसपेशी, ये सबसे लंबी मांसपेशी है। और वहीं मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी जबड़े में पाई जाती है, जबकि सोलियस मांसपेशी कहाँ पर स्थित होती है? तो सोलियस मांसपेशी पांव के निचले भाग में स्थित होती है। और वहीं बात करें मांसपेशी के टिश्यू में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 75% जल पाया जाता है। मांसपेशी के टिश्यू में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो ये 75% जल पाया जाता है। वहीं बात करें मांसपेशी मानव शरीर को क्या प्रदान करती है, तो मांसपेशी मानव शरीर को आकृति प्रदान करती है। और टी टेस्ट परीक्षण किसने प्रारंभ किया था? तो 1908 में विलियम सेली गोसेट ने इसका प्रतिपादन किया था। और वहीं बात करें कोशिका में किसके द्वारा प्रसरण तथा संकुचन होता है, तो ये होता है मायोफाइब्रिल के द्वारा प्रसरण और संकुचन होता है। वहीं बात करें चवर्णिका या मसेटर पेशी कहाँ पाई जाती है, तो ये जबड़े में पाई जाती है और ये सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है। वहीं बात करें स्टर्नोमस्टोड मांसपेशी का कार्य क्या है, तो स्टर्नोमस्टोड मांसपेशी का कार्य सिर को घुमाने में सहायक है। तो स्टर्नोमस्टोड मांसपेशी का कार्य क्या है, सिर को घुमाने में ये सहायक है। वहीं बात करें कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो लैटीसिमस डोर्सी ये कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है, जबकि क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एवं गैस्ट्रोनिमियस मांसपेशी पैर में पाई जाती है। तो इस तरीके से शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।